पाकिस्तानी साबिक टेस्ट बॉलर वसीम अकरम ने भारतीय क्रिकेट टीम को एडवाइस की है कि वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ ना खेले। वर्ल्ड कप से पहले भारत को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक 5 वनडे की सीरीज़ खेलनी है। वसीम अकरम ने इस पर कब्ज़े का इज़हार करते हुए कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को इस सीरीज़ खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एशिया कप जीत कर आई हुई है, खिलाड़ियों को रेस्ट देना चाहिए, बल्कि अगर आप उनको और मैचेस खिलाएंगे तो वो हो सकता है वर्ल्ड कप में थके हुए नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, भारत इस वक्त 8 बार एशिया कप जीत चुका है और ये टूर्नामेंट जीतना टीम के मोराल को बुलंद रखने के लिए बहुत अहम साबित होगा वर्ल्ड कप से पहले। तो भारत को ज़रूरत नहीं थी वर्ल्ड कप से पहले कोई और मैचेस खेलने की, एशिया कप ही काफ़ी था वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। मज़ीद मैचेस खेलने से कोई इंजरी होने का खदशा भी हो सकता है, जैसे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के 2 अहम फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए, जिसके बाइस नसीम शाह तो कहा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाएंगे और हारिस रऊफ भी डाउटफुल हैं। इसी इसना में वसीम अकरम ने भारतीय क्रिकेट टीम के हवाले से भी प्रेडिक्शन की कि वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज़ के खेलने से खिलाड़ी थकावट का शिकार हो सकते हैं और उनकी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ सकता है। भारतीय शायकीन क्रिकेट ने वसीम अकरम के इस एडवाइस को पॉजिटिव लिया और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वसीम अकरम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम पर इतना बोझ ना डाला जाए जिससे कोई ऐसी इंजरी सामने आ जाए जो वर्ल्ड कप से पहले टीम के लिए नुकसानदेह साबित हो। देखना यह होगा कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम और दूसरी टीम्स कैसे परफॉर्म करेंगी। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।